ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मात दे दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऋतिक की क्रिश 3 के सैटेलाइट राइट्स पूरे 38 करोड़ में बेचे गए हैं, जबकि शाहरुख की साईफाई रावण को 37 करोड़ मिले। करीना कपूर फिर एक बार चमेली बनी नजर आएंगी, मगर किसी फिल्म में नहीं बल्कि लंदन के मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में। जी हाँ, यहाँ करीना की वैक्स स्टैच्यू को चमेली का लुक दिया जाएगा, जिसका इनॉग्यूरेशन खुद करीना अक्टूबर में करेंगी। मान्यता दत्त की सरप्राइज पार्टी में सलमान खान और संजय दत्त के बीच काफी अनबन हुई। दरअसल सलमान संजय को कुछ करियर एडवाइस दे रहे थे जो कि संजय को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अगले ही दिन इन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस भुलाए और बिग बॉस का प्रोमो एक साथ शूट किया। एक्स लवर्स शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए बहुत जल्द एक लव मेकिंग सीन की शूटिंग करने वाले हैं, जिसे लेकर शायद ये दोनों अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन दोनों की प्रोफेशनलिज्म को देखकर कहा जा रहा है कि ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को फिल्म के आड़े नहीं आने देंगे। अजय देवगन ने हाल ही में अपने होम प्रोडक्शन में बनने वाली अगली फिल्म SOS सन ऑफ सरदार की अनाउंसमेंट की, लेकिन इस टाइटल को अक्षय कुमार ने पहले ही रजिस्टर करवा दिया है और अक्षय अपने बैनर हरिओम प्रोडक्शंस के अंडर ये फिल्म बना रहे हैं और अक्षय ये टाइटल देने के लिए तैयार नहीं। अब अगर अक्षय और अजय के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाए तो चौंकिएगा नहीं।